बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से, जहां रीवा के सिविल लाइन थाना में एक बेहद बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जिसे पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है। अपना प्रत्येक बता दें कि सिविल लाइन थाना में पदस्थ थाना प्रभारी जितेंद्र नाथ शर्मा का उप निरीक्षक बीआर सिंह के द्वारा जो है सीना में गोली मारी गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार की हल्की फुल्की कहा सुनी का लेके या गोलीकांड का पुलिस के द्वारा जो है उप निरीक्षक के द्वारा अंजाम दे दिया। तभी क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी, शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रवचक बताया दी कि रीवा के सिविल लाइन थाना में एसआई बीआर सिंह के द्वारा थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा का उनके चैम्बर में घुस के गोली मार दी गए। गोली लगे से गंभीर रूप से घायल टीआई हितेंद्र नाथ का एक निजी अस्पताल में भर्ती करावा गया है, जहां उनकर हालत नाजुक बनी है। घटना सिविल लाइन थाना में गुरुवार दोपहर 3 बजे के आए वह वक्त थाने में बाकी स्टाफ मौजूद रहा। फायरिंग की यह घटना के बाद एसपी विवेक सिंह मौके में पहुंच गए। अपना बच्चे को बताया दी कि बताबा यह जान रहा है कि कोनो मामला का लेके टीआई हितेंद्र शर्मा और एसआई बीआर सिंह के बीच बहस फैली। बाद में ये एसआई टीआई के चैम्बर में घुस के गोली मार दी। घटना के वक्त थाना में बाकी स्टाफ मौजूद रहा। सूत्रन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी एसआई दो पिस्टल लेके टीआई के चैम्बर में घुसा रहा। फायरिंग की आवाज सुन के अन्य पुलिसकर्मी के द्वारा टीआई का बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचा बगा। वहीं एसआई का चैम्बर में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी गई। जानकारी के अनुसार आरोपी एसआई के द्वारा अंदरों से दो फायर किए गए हैं। फिलहाल यह साफ नहीं आए कि वह व्यक्ति गोली खुद कमारी सी या मिस फायर भा है, या घायल टीआई का ब्लड डोनेट करे खातिर अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो यह वक्त के सबसे बड़ा अपडेट यह है कि टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा का 2 यूनिट ब्लड चढ़ावा जा चुका है। हालांकि एक नाजुक हालत में उनका इलाज चल रहा है, गोली निकाले के या फिर उनकर इलाज के देखरेख खातिर पूरा पुलिस महकमा रीवा के जो है जो यह अस्पताल है प्राइवेट अस्पताल मिनर्वा अस्पताल में पूरी तरह से मौजूद है। और अपना बच्चे बताया दी सबसे बड़ी अपडेट यह हुई कि थाना प्रभारी के चैम्बर में बीआर सिंह का बंद किया गया है। हालांकि उनके हाथ में 2 लोडेड पिस्टल है। ऐसे थाना परिसर के चारों ओर जो है पूरी तरह से वह जगह का जो है उठे लोगन के आवाजाही का बंद करे के बात कही जा लगी। हमारे साथ चल रही तस्वीर में अपना देखा थो कि परिजनन कितना बड़ा मुड़े में पहाड़ टूट है। वो जो है भागम भाग जाए के मिनर्वा अस्पताल में थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा का देखे वे जो है पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में यह एक बड़ी मतलब यह घटनाक्रम में बात निकल के सामने आई है कि जब से लोगन का जानकारी मिली है कि थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा का गोली लगी है, तब से बड़ी संख्या में लोग मिनर्वा हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं कि हम ब्लड डोनेट करें चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह बेहद कोनो परिवार खातिर कोनो अधिकारी खातिर जो है एक बड़ा कहा जाए मुश्किल समय है, लेकिन यह हालात कई एक तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। अपडेट खातिर बने रही एमपी संदेश न्यूज 24 के साथ। अपन अपने परिवार के रखो बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।